दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम, देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, भारतीय राजनीति में जो छोटे या बड़े नेता जो दावा करते हैं या घोषणा करते हैं या कहते हैं, उस पर अमल क्यों नहीं करते हैं, बदल क्यों जाते हैं? क्या उन्हें अपनी पिछली घोषणाएं याद नहीं रहती, या वो जनता को बेवकूफ समझते हैं, या वो ये मानकर चलते हैं कि जनता की याददाश्त बहुत कमजोर होती है और थोड़े दिनों में वो भूल जाती है, और जब नया और कोई घोषणा करते हैं नेता, उस पर विश्वास करने लगती है? दोस्तों, ये तो सच है कि हमारे देश की जनता कुछ बातें बहुत जल्दी भूल जाती है। दरअसल मैं आपको कहना क्या चाहता हूं, पिछले साल जब बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़कर इंडिया गठबंधन के साथ आकर सरकार बनाई थी, तो भाजपा के नेता आग बबूला हो गए थे। और ये ही नहीं, भारत के गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी ने तो कई जनसभाओं में ये घोषणा की थी बड़े गुस्से में कि भाजपा के दरवाजे और नीतीश कुमार के लिए, जेडीयू के लिए, ललन सिंह के लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं, भविष्य में कभी भी भाजपा इनके साथ कोई समझौता नहीं करेगी, ना ही सत्ता का बंटवारा करेगी। सुनिए उनका ये भाषण। बिहार की जनता स्पष्ट रूप से निर्णय कर बैठी है कि बिहार की 40 की 40 सीटों पर नरेंद्र मोदी जी का कमल खिलने वाला है, और नवादा में भी नवल कमल खिलने वाला है कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तो आपने देख लिया कि अमित शाह जी किस तरीके की घोषणा कर रहे हैं, लेकिन उसके कुछ महीने बाद ही फिर जैसे ही नीतीश कुमार ने पलटी मारी और भाजपा को, नीतीश कुमार और जेडीयू को जरूरत पड़ी फिर सत्ता का मजा चखने के लिए, तो फिर उन्होंने नीतीश कुमार के सामने पलक पांवड़े बिछा दिए और पर्दे के पीछे समझौता करके फिर जेडीयू और कांग्रेस से हटाकर फिर उन्हें अपने पाले में ले आए और उनके साथ सरकार बना ली। और सरकार ही नहीं बनाई, बल्कि पिछले दिनों जो लोकसभा के चुनाव हुए थे उसमें भी भाजपा ने जेडीयू के साथ चुनावी गठबंधन किया, दोनों दल मिलकर चुनाव लड़े। तो अमित शाह जी की उस घोषणा का और गुस्से का क्या हुआ? और आगे बढ़ते हैं, अब पता चला है कि नीतीश कुमार और भाजपा में फिर कुछ चल रहा है, उनके रिश्ते फिर पटरी से उतरते बताए जाते हैं, कुछ गड़बड़ चल रहा है। केसी त्यागी जी ने अपने एक बयान में अभी हाल ही में इसके संकेत दे दिए। और दोस्तों, ये दोनों पार्टनर यानी जेडीयू और भाजपा फिर कब अलग हो जाएं,
कोई भी बहाना बनाकर। कब नीतीश कुमार भाजपा से पल्ला झाड़ लें कोई पता नहीं, क्योंकि अफवाहें ये हैं कि भाजपा नीतीश कुमार के विधायकों और सांसदों को तोड़कर जेडीयू को समाप्त करना चाहती है। और अभी हाल ही में जो इस साल के अंत तक बिहार विधानसभा में चुनाव होने वाले हैं, उनमें वो खुद अपने दम पर भाजपा की सत्ता पर, बिहार की सत्ता पर कब्जा करना चाहती है। यानी बिहार में भी भाजपा जेडीयू को मक्खी की तरह सत्ता से बाहर करना चाहती है, जो कि उसका चलन रहा है कि क्षेत्रीय पार्टियों के दम पर सत्ता में आओ और षड्यंत्र करके उस क्षेत्रीय पार्टी को कमजोर करो और अपने सत्ता बनाओ, अपना सीएम बनाओ। इस नीति पर बिहार में भी भाजपा चल रही है। तो दोस्तों, देखना ये है कि क्या नीतीश कुमार अब भाजपा के साथ बिहार की सत्ता में बंटवारा जारी रखेंगे, या आने वाले विधानसभा चुनावों में भाजपा के साथ चुनावी समझौता करके चुनाव लड़ेंगे, या वो भाजपा की फितरत को समझ गए हैं और इससे पहले कि जेडीयू को और ज़्यादा नुकसान हो, उससे पहले ही वो भाजपा से पल्ला झाड़ लेंगे। जबकि दूसरी तरफ आज भी बिहार में इंडिया गठबंधन या जेडीयू के नेता उनको अपने पाले में लाने के लिए तैयार बैठे हैं। जेडीयू के किसी भी नेता ने, जब से वो छोड़कर गए हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसी भाषा का, अपमानजनक भाषा का, या जिससे रिश्ते हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएं, उस तरीके की भाषा का कोई इस्तेमाल नहीं किया है। तो ये संभव है कि एक बार नीतीश कुमार फिर पलटी मारकर जेडीयू कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन में आ जाएं और इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ें, क्योंकि भाजपा की अब असलियत को शायद अच्छी तरीके से नीतीश कुमार पहचान गए हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि नेता किस तरीके से घोषणाएं करते हैं और फिर झूठे साबित होते हैं और जनता मन महसूस कर रह जाती है कि इन नेताओं पर, इनके झूठ पर यकीन करें तो कैसे करें। लेकिन जनता मजबूर है, लेकिन इतना तय है कि समय आने पर इन नेताओं को समय समय पर जनता सबक भी सिखाती रही है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि किस तरीके से बिहार में अमित शाह जी ने जेडीयू और नीतीश कुमार के साथ कभी भी चुनावी गठबंधन न करने की घोषणा की थी, उनके लिए हमेशा के लिए दरवाजे बंद कर दिए थे। लेकिन मैं वो शब्द तो नहीं बोलूँगा, आप जानते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। और अमित शाह जी ने फिर भाजपा के साथ गठबंधन किया और सत्ता में लौटे और फिर अलग होने की बातें चल रही हैं। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना, मिलते हैं फिर कल नए मुद्दे पर, नए एपिसोड में। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।